हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन, दिस इज़ अजय गर्ग एडवोकेट अगेन विद यू। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है अभी 28 अक्टूबर 2022 को। बिफोर आई कम टू दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्डर, आई वुड लाइक टू गिव यू सम बैकग्राउंड। इसके बारे में मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं या उनकी पोस्ट में के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है। ये एक रिट पटिशन हमने फाइल की थी कुछ एप्लीकेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, जो CRPF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट में इंटरेस्टेड थे। और ये जो रिट पटिशन थी हमने 2022 में इन द बिगनिंग में भी फरवरी मार्च में हमने फाइल की थी। हमारा मेन कहना ये था कि CRPF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2016-17 में हुआ था, और उसके बाद से 2018-19-20-21 में बहुत सारी वैकेंसीज अराइज हुई। CRPF हैज़ नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू कंडक्ट the recruitment of these post. Now, Honorable High Court ने अपने 8 मार्च 2022 के ऑर्डर में स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिया CRPF को और मिनिस्ट्री ऑफ होम को कि एज पर देयर ओन ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 2020 दे विल फिल अप the vacancies of the head constable ministerial within a period of 6 weeks. इस ऑर्डर के पास होने के बाद मैंने एक वीडियो शेयर किया और ये ऑर्डर के सिग्निफिकेंस को बताया, बट अनफॉर्चुनेटली CRPF ने इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 वीक्स उन्होंने इसकी वैकेंसीज नहीं निकाली, और इसी वजह से हमें फिर एक कंटेम्प्ट पटिशन फाइल करना पड़ा हाईकोर्ट में ही for non-compliance of the order of 8th March 2022. Immediately after we filed the contempt, the CRPF and the Ministry of Home, they filed a review petition against the order of 8th March 2022, wherein they stated that jo OM jo tha Government of India ka, wo head constable ministerial ki post pe nahi apply karega, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जामिनेशन इन हाउस होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम CRPF करवाती है, और वो UPSC या SSC से रिलेटेड नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर था वो उसमें ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट कवर नहीं होती है। हमने उनकी बात का प्रॉपर रिप्लाई कोर्ट में दिया और हमने कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि ये एकदम फ्रिवलेस रिविजन रिव्यू पटिशन है और इनका मेन मकसद एग्जामिनेशन नहीं करना है, और इसी वजह से इन्होंने अभी तक ऑर्डर जो 8 मार्च का था वो कंप्लाई विद नहीं किया है, और इसमें वैकेंसीज एक के बाद एक इंक्रीज होती जा रही हैं, और जो बच्चे हैं, जो हमारे यंग रिसोर्सेज हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बेचारे वेट कर करके कई तो ओवर एज हो गए हैं, और बाकी लोग अभी और ओवर एज हो जाएंगे जब तक ये निकालेंगे। और ये ऑलरेडी OM जो 2020 का है उसमें कवर्ड हैं ये, और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो महकमे हैं वो टाइमली एक्शन लेकर अपनी वैकेंसीज को फिलअप करेंगे। और ये खुद एडमिट करते हैं कि इनके पास जो है 2018-19-20-21 की वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, और बट इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि व्हाई इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑन 8th of March 2022 दे हैव नॉट टेकन एनी स्टेप्स फॉर द फॉर कमेंसिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और ये जो भी ये इन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम करने का, वो सब रिट पटिशन फाइल होने से पहले के 2021 के उनके अटैम्प्ट हैं या जो स्टेप्स हैं उसके बाद का कोई नहीं है, और इनके कहने में कोई सच्चाई या कोई सिंसियरिटी नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो है ये निष्कर्ष पे पहुंची कि सीआरपीएफ जो है वो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम करवाने से रिलेटेड, और वो लोग उन लोगों ने जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का उसको भी उन्होंने सीरियसली जो है उसको सीरियसली नहीं लिया है, उसको वो कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ऑर्डर में जो ये ऑर्डर 28 अक्टूबर 2022 को पास हुआ उसमें उन्होंने उनकी रिव्यू पटिशन को डिस्पोज ऑफ किया, और उसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत से बच्चे जो कि ये सीआरपीएफ का खुद का कहना है कि उनके पास 2018-19-20-21 की वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, और उसमें उन्हें 14 मंथ्स वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, जबकि उन्होंने कहीं पर भी कुछ ये डिस्क्लोज नहीं किया अपनी रिव्यू पिटीशन में कि उन्हें 14 मंथ्स का टाइम क्यों चाहिए, और अभी तक उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया ये वैकेंसी ये भर्ती। उसमें हाईकोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, और दी मिनिस्ट्री ऑफ होम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ये उनके वकीलों का कहना है। और इसी वजह से हाईकोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लेते हुए सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये डायरेक्शंस दी कि ये कंप्लीट करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, दैट इज 28 अक्टूबर 2022, और अगर इन्होंने ये ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं किया तो उस केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम दे विल बी पर्सनली लायबल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन केस ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस पास्ड इन द सेड ऑर्डर। तो दोस्तों ये अपने आप में एक लैंडमार्क ऑर्डर है, क्योंकि अब जो टॉप फंक्शनरीज हैं सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ उन लोगों को पर्सनली अकाउंटेबल कोर्ट ने कर दिया है, बिकॉज उनका ये कहना था कि इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बहुत लाइट लिया, और सेकेंडली इसमें बहुत से बच्चों का हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जुड़, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बगैर किसी अपॉर्चुनिटी के ओवर एज हो जाएंगे, सो विच विल बी यू नो वेरी हार्श एंड इनजस्टिस फॉर देम। सो देयरफॉर इस ऑर्डर को अब ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेगी इन कंप्लायंस ऑफ दी ऑर्डर। और पोस्टों पे इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वो लोग भी, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है किसी समय किसी टाइप की, उन लोगों से अप्रोच कर सकते हैं हम लोगों को, और हम आपकी इसमें पूरी कानूनी सहायता करेंगे एंड प्रो बोनो बेस पे करेंगे, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। और ये इस ऑर्डर के ये जो ऑर्डर अभी हुआ है 28 अक्टूबर का 2022 का, इसके सारे डिटेल्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और अगर किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो तो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।